नाजरीन मैं हूँ बसमिलफ्ता आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल आइए जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं आज मैं क्वेश्चन जो है वो कुछ ज़्यादा ले करके आया हूँ माई क्वेश्चन की जो प्ले लिस्ट बनी है उसमें जा कर के इस तरह की और भी वीडियो आप देख सकते हैं और किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही अहम सवाल होने वाले हैं सबसे पहले आब हयात से मुतिक कुछ सवाल जो आपसे पूछे जा सकते हैं जैसे आब हयात में जो हैं कितने दौर हैं वो तो आपको मालूम है पाँच दौर में पाँच दौर में लिखी गई है इसमें सवाल आपसे है कि आब हयात के पहले दौर में कितने शायरों का शोरा का जिक्र तो। है आपका आंसर सही होना चाहिए छः इसको ऐसे याद करते चलिए पहले दौर में छः शायरों का जिक्र है दूसरे दौर में तीन शायरों का जिक्र है आब हयात में तीसरे जो दौर है उसमें जो है वो सात शायरों का जिक्र है पहले में छः दूसरे में तीन आधे हो गए तीसरे में सात यहाँ से आपको याद रखना है चौथे में चार शायरों का ज़िक्र है और आखिरी जो इसका दौर है पांच जो है इसके एदवार हैं पांच में जो दौर है उसमें जो शायर हैं वो नौ शामिल हैं कुल मिलाकर के इसमें कितने शामिल हैं शोरा का जिक्र हुआ है आबे में तो नौ थोड़ा जल्दी जल्दी बात कर, कर रहा हूँ आपको अगर स्पीड ज़्यादा लगती है तो स्लो करके देख सकते हैं और इसकी पी जो है लेने के लिए आप मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हैं आगे देखो शाह हातिम खान आरज़ू अशरफ़ अली खां फ़गाँ इन लोगों का जो जिक्र हुआ है वो आब हयात के किस दौर में हुआ है यहाँ पे आब हयात कला लिखा है तो इन सभी शोरा का जिक्र जो है वो दूसरे दौर में हुआ है शाह हातिम खान आरज़ू और फ़ाँ इन तीनों का नाम याद रखिएगा पूछा जा सकता है नाम दे करके पूछते हैं कि इनका किस दौर में जिक्र हुआ है अच्छा ज़ौक हैं हैं जिनको अहद जरनी कहा जाता है जिस दौर को गज़ल का उसके जो शायर हैं जैसे है, मोमिन हैं गिब हैं नासिक हैं आतिश हैं और शाह नसीर हैं इन सभी का जिक्र जो है वो आखिरी दौर यानी पाँचवें दौर में हुआ है ख़ास खास पे बात कर लेते हैं पहले दौर में देख लीजिए जैसे शाकिर ना आ, नाजी हैं शाह मुबारक हैं और मज़मून हैं इन लोगों का जिक्र हुआ है वो पहले वाले दौर में है और मीर के जितने हम असर थे चाहे वो दर्द हों मीर हों सौदा हों मजहर जाने जाना हो इन सभी का जिक्र जो है वो तीसरे दौर में हुआ है यहाँ तक दस सवाल जो हैं वो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए आवे हया इतना काफ़ी है सवाल है तबकातु शोरा तस्करा जो है किसका है तो तबकातु शोरा याद रखिएगा ये कुदरत शौक का है और मजमु नगज़ अगर पूछा जाता है वो भी तस्करा है वो तस्करा जो है वो कुदरतुल्ला कासिम का है यानी कुदरतुल्ला उसमें भी है लेकिन उसमें कासिम है मज, मजमु नगज में और तबकात में कुदरतुल्ला शौक का है तबक़त शोरा हिंद किसका है तो करीमुद्दीन का है आपको यहाँ से याद रखना है थोड़ा जल्दी अब बात करेंगे गुलशन बेखार का तस्करा जो है ये किसका है गुलशन बेखार किसका तस्करा है तो मुस्तफा ख़ान शेफ्ता का नाम याद रखिएगा इनका लिखा हुआ यह तस्करा है इसके बाद में है तस्करा तस्करा तो शोरा उर्दू उर्दू किसका लिखा हुआ है यह तो शोरा ये पूरी यहाँ से याद रखिए तो ये है जो है मीर हसन का लिखा हुआ तस्करा है इसके बाद में आपको याद रखना है ज़मानी एतबार से ये तसानीफें खूब पूछी जा रही हैं इनको ऐसे ही याद रखिएगा ज़मानी एतबार से आपसे पूछा जाता है तसनीफ़ों में तो याद रखिए कुतुब मुश्तरी सबसे पहले लिखी गई सैफुलमलूक बदी जमाल वाद में लिखी गई तोती नामा फिर लिखी गई और आखिर में सबरस लिखी गई है इस तरह से आपको याद रखना है अम्दा ये बहुत ही अहम तसनीफ़ है तनखीदी किताब है अमद्दा किसकी है तो याद रखिए इबन रशीक़ की है यहाँ पे रशीद लिख दिया है ये गलत है रशीक़ यहाँ पे काफ़ बनेगा तो इब्ने रशीक की अमदा है ये अरबी नक्का है इसको एक बार सही कर लीजिएगा ठीक है सही कर देते हैं पहले अब देखिए याद रखिएगा इब्ने रशीक की ये लिखी हुई किताब है आगे है मजहब कौमों की पैरवी ये मजमून है यहाँ तक मजहब कौमों की पैरवी कई बार कहा है इनको याद रखिएगा रशीद अहमद सिद्दीकी का है रशीद अहमद सिद्दीकी और सॉरी ये सर सैद अहमद ख़ान का है मजहब कौमों की पैरवी रशीद अहमद सिद्दीकी सर सैद मोहम्मद हुसैन आज़ाद और शिबली इनके मजमून एक लिस्ट बनाइए और इनको चारों को एक साथ में पढ़िए तभी आप क्लियर कर पाएंगे इनमें से किसका कौन सा है ये देखिए एक कॉल है इस तरह से आपको दिया जाता है कि रेडियो फ्यूचर में हकाइक पेश किए जाते हैं इसको कहा जा सकता है यानी जो रेडियो फ्यूचर में हकाइक पेश किए जा सकते हैं ये ट्रू है या फॉल्स तो ये है ट्रू यानी सही है ये सही बात है हकाइक पेश किए जाते हैं किसने कहा है अदब का पहला और आखिरी मकसद मुसरत फहम पहचान है तो मुसरत पहचान पहुँचाना जो है आ, किसका अदब का पहला मकसद होता है आ, पहला और आखिरी मकसद है तो ये कॉल है लॉन जैंस का इसके बाद में है नई तनखीद ये किताब किसकी है याद रखिए जमील जालवी की इसी तरह से अदबी तनखीद पूछा जाए किसकी है तो मोहम्मद हसन की ये भी याद रखिएगा जमालियाती तनखीद पूछी जाए तो वो भी नहीं मोहम्मद हसन की अफसाना और उसकी गायत, ये बहुत बार तसानी पूछी गई है अफसाना और गायत यह किसका कारनामा है तो याद रखिएगा मजनू गोरखपुरी का नाम अक्स और आईने याद रखिएगा वैसे तो बहुत हैं अक्स और आईने हैं इनकी तमाम तसानीफें हैं याद रखिएगा एहताम की लिखी हुई ये किताब है अक्स और आईने आगे है लाजमदी और वाहिद वाद वारी ये दोनों तसानीफें किसकी हैं तो यह है अशरफ व्यावानी और इनका ताल्लुक जो है वो बहवनी दौर से है ये भी याद रखिएगा गुलशन इश्क़ अली नामा और तारीख़ सिकंदरी तीनों तसनीफ़ें किसकी हैं तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों किताबें जो हैं वो नुसरती की हैं और नुसरती किस दौर का शायर है तो बीजापुर का है ये भी आपको याद रखना है आगे हातिम ताई ये किरदार हैं कैरेक्टर याद रखिएगा ये पूछे जाते हैं हातिम ताई बेदार वक्त इसके बाद में बैरू और नोवेल बाद, बादशाह जो है नोफिल बादशाह इन ये किरदार किस दास्तान के हैं तो याद रखिए ये दास्तान अगर पूछी जाए तो बागो बहार के हैं दरवेश अगर पूछा जाता है तो ये दूसरे दरवेश के कहा किरदार का, हैं और ये अभी जल्दी हाल ही में एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है कि हातम ताई का किस्सा बागो बहार के, के दरवेश में आया है तो दूसरे दरवेश में इसके बाद में है कातिब किसकी तसनीफ़ है अब यहाँ से अरबी नक्कादों से मुतक़ कुछ ख़ास सवाल हैं तो ये किताबल किताबुल कातिब किसकी है तो इबन कुतेबा की इसके बाद में है इल्मे मानियात को किस लसानियात में पहली बार किसने अलाहदा शक के तौर पर पेश किया है तो इल्मे मानियात को किस माहिर लसानियात ने पहली बार जो है वो अलाहदा शक के तौर पर पे पेश किया था ये सवाल होना चाहिए तो लेसंग का नाम याद रखिए इसने किया था चहार मकाला बहुत पूछी जाने वाली किताब किसकी है तो अरूजी समरकंदी का नाम आपको याद रखना है हर हाल में ख़ुद नविश्त इस आवाज़ खराबे में रिसाला किस तबार में छपी है तो ये किस रिसाले में छपी है तो आपको याद रखना है रिसाला सौगात में अगला है उर्दू के सबसे बड़े सहाफ़ी कौन हैं तो कई लोग माने जाते हैं लेकिन आपको याद रखें ख्वाजा जो है ख्वाजा अहमद अब्बास हैं उनको बहुत बड़ा सहाफ़ी माना जाता है इसके बाद में किसकी की हैं और है रवाय तस्बी हैं और रिवायत से कम और जाती मशादात से ज़्यादा करीब हैं यानी किसकी जो तशबीहें हैं वो रिवायत से तो कम लेकिन ज़ाती जो मशादात है उससे ज़्यादा करीब हैं तो ये आपको याद रखना है फ़राग गोरखपुरी का नाम इन्होंने गज़ल में ये किया है कि शायर के यहाँ सनाई का गलबा है तो सनाई का गलबा सबसे ज़्यादा किसके वहाँ है क़ के वहाँ ये आपको याद रखना है इसके बाद में अगला सवाल है किसने सियासी मज़ामीन को भी आला फ़नकारी के साथ पेश किया है तो सियासी मज़ामीन जो मज़ामीन हैं और जो मुद्दा था उसको बहुत ही अच्छे और फनकारा अंदाज़ में फ़नकाराना अंदाज़ में इकबाल ने उठाया है आगे आप यहाँ से थोड़ा सा गौर कीजिएगा बहुत ही अहम सवाल है यहाँ से देखिए एक ही जैसे नाम है जिनकी वजह से कन्फ्यूज़न होती है मैंने एक ही जगह पर उनको इकट्ठा करवाया है देखिए फिरोज शाह का अगर किरदार आपसे पूछा जाए किस मसनवी का है तो गुलजार नसीम का है फिरोज शाह और वाकौली जो होती है हीरोइन उसका बाप है इसी तरह से बयान में जिन्हों का जो बादशाह का बेटा है उसका नाम भी क्या है तो फिरोज शाह यानी जिन्हों का जो बादशाह है जिन्हों का बादशाह उसके बेटा जो होता है जो पर आशिक होता है उसका नाम भी फिरोज़ शाह है ये बयान का किरदार है और अगर फ़िरोज शाह पूछा जाता है किसके बाप का नाम है तो वो गुलजार नसीम का है वकौली के बाप का नाम फिरोज़ वक्त अगर पूछा जाए किस अदीब का तारीख़ी नाम है फिरोज़ वक्त तो ये आप अबुल कलाम आज़ाद का नाम लगाएंगे अबुल कलाम आज़ाद हैं उनका था फसाना अजाइब जो है उसमें जाने आलम के वालिद का नाम क्या है तो फ़िरोज़ वक्त ये आपको यहाँ से याद रखिएगा तो जाने आलम में जो शहज़ादा का बाप है वो फ़िरोज़ वक्त है और फ़िरोज़ वक्त अगर तारीख़ी नाम पूछा जाए किसका है तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का इसके बाद में आगे देखिए अबुल आज़ाद वक्त का किरदार आज़ाद वक्त का किरदार किस दास्तान में आया है तो ये है बागो बहार उम्मीद करता हूँ सारे फैक्ट क्लियर हुए होंगे आगे देखिए तबकातुल शरा मारिफ ये दोनों तसानीफेंस किसकी हैं तो अरबी का पहला नक्का माना जाता है ये मोहम्मद बिन अजमी उनकी किताब है तबकातुल शरा और किताबुलमाारफ इसके बाद में है अशर व और इसके बाद किताबुल अदबुल कातिब व शरा ये किताबें याद रखिएगा अशर उश्रा इसके बाद में कातिब, वा किताबुल मानी वा अलवीर और गलत, इस्लाहुल गलत ये तीनों तसान, चारों तसानीफें आपको याद रखनी है। हैं यह है इब्ने कुतेवा की इसके बाद में है नकद नगदुश्य, शेर नकदुल शेर जो है वो किसके कितनी हिस्सों पर है किताब ये किताब नहीं पूछी किसकी है लेकिन कितने हिस्सों पे है तो ये याद रखिए तीन हिस्सों पर नाम भी याद रखिए कदामा इबन जाफ़र की यह किताब है नकद शेर इबन रशी की किताब है अलुमदा कितनी फ़सलों पर है तो वो दो फ़सलों पर है यहाँ से आपको याद रखना है अल अलमदा की फ़सलें पूछी जाएँ तो दो नकदुल हिस्सों पर है तो तीन इसके बाद अगला है मुकदमा मुकदमा इबन खलदून और अलअब्र ये दो तसानीफें किसकी हैं तो इब्ने खल्दून की किताबें हैं अब्र याद रखिएगा बाकी उसमें तो नाम है ही ये तीनों किताबें याद रखिए इसरारुल बलागत दलाइल एजाज़ अलिज़ा फ़िन फिल फ़ी फिन, नहू तो या फिल नहू जो भी हो आप इनको याद रखिएगा तीनों किताबें हैं अब्दुल काहिर जरजानी की आगे है मीर की कनूतियत किन शायरों के कलाम में मिलती है ये भी गौर कीजिएगा मीर की कनूतियत किन शायरों के वहाँ है तो फ़ानी और कलीम आजिज़ और अगर मीर की जो शायरी है उसका लहजा किस शायर के कलाम में मिलता है तो आपका जवाब होगा खलील रहमान आज़मी अगला सवाल है कि शिबली नामा किसकी तसनीफ़ है तो शेख मोहम्मद इकराम की किताब है शिबली नामा यह आपको हर हाल में याद रखना है इसके बाद में हयात सुलेमानी किसकी तसनीफ़ है यह मोहिनुद्दीन नदवी की है ये भी आपको याद रखना है उम्र ख़याम किस की है तो सैयद सुलेमान नदवी की है उम्र खयाम इसके बाद और अगला सवाल है कि कौन सा अफसाना बहुत इम्पोर्टेंट ये सवाल है कौन सा अफसाना सेगा गायब में बयान हुआ है तो सेगा ग़ाइब में ये है जो है बजू जो वजू का अफसाना है सुरेंद्र प्रकाश का वो हुआ है बयान तो इतने पचास इक्यावन सवालों पे मैंने बात की इनमें कोई सवाल गलत हुआ है तो ज़रूर बताइएगा आपका कोई मशवरा है तो आप दे सकते हैं Şükriye.